हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, ये वाला हम एलिफेंट बनाएंगे, बहुत ही प्यारा लगता है। इस एलिफेंट की आप राखी भी बना सकते हैं। देखिए, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो छोटे बच्चों के लिए राखी भी बना सकते हैं। और इसे कॉटन के धागे में बनाइए ताकि हम जब बांधते हैं तो हाथ पर थोड़ा सा चुभती है, वूल होती है तो हाथ पर थोड़ा सा चुभेगी। और कॉटन का धागा होगा तो कुछ नहीं होगा, और बच्चों को भी अच्छे से रखने का मन होगा। तो धागे में बना करके आप पहना सकते हैं, बहुत ही प्यारा एलिफेंट लगता है। देखिए, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आप बचे हुए वूल से भी इसे बना सकते हैं, और बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो इसके ऊपर भी इसे बना करके लगा सकते हैं। तो ऐसे पहले तो हमें मैजिक रिंग बनाना है। ऐसे 4 प्लाई हमारी फूल है, ऐसे मैजिक रिंग के अंदर बनाना स्टार्ट कर देंगे। 1, 2 और 3 इसी के अंदर डबल क्रोश 12 बार डबल क्रोश 3, 4 तीन की चेन को साथ में नहीं गिनना है, डबल क्रोशे ही गिनने हैं। देखिए, सॉरी, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो 12 बार हो गया। अब हम इसे खींच करके टाइट कर देंगे ऐसे, और फिर राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो पहले डबल क्रोशे की चेन में करना है, ये तीन की चेन में नहीं करना है। पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हमने 2 चेन बनानी है, और जहाँ पर जॉइंट किया है वहीं पर हम 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 की चेन को हमें नहीं गिनना है। देखिए, ऐसे सेम प्लेस पर हमने 2 डबल क्रोशिया किया, 2 की चेन को हमने नहीं गिनना है। फिर से नेक्स्ट में सेम प्लेस पर 2 बार, तो 12 के ऊपर हम 2-2 बनाएंगे तो 24 हो जाएंगे, 12 के ऊपर 24। हर एक चेन में हमें 2-2 बार बनाना है ऐसे। देखिए, हर एक चेन में 2-2 बार। तो देखिए, 12 के ऊपर हमने हर एक चेन में 2-2 बार बना लिया, तो ये 12 बार है 2-2 बनाया हुआ। तो अब हम यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे। और जहाँ पर 3 चेन बनाई है वहीं पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है 3 बार। 1 बनाया, 2 और ये 3। 3 बार बनाया सेम प्लेस पर, और वापस से 3 चेन लेनी है, और वो 3 चेन हमें नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच करनी है। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया 1 बार, अब नेक्स्ट में 2री बार, नेक्स्ट में 3री बार और नेक्स्ट में 4थी बार। 4 बार हमें स्लिप स्टिच करना है, और फिर देखिए 4 बार हमने स्लिप स्टिच किया, 1 जॉइंट किया, फिर बाद में 3, तो टोटल 4 हो गया। 4 स्लिप स्टिच करने के बाद वापस से 3 चेन लेंगे, और फिर 4थी वाली स्लिप स्टिच है इसी में हमने 3 चेन बना दी। फिर इसी के अंदर हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है वापस से, जैसे पहले किया था, फिर से 3 चेन और फिर से नेक्स्ट वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच यहाँ पर ऐसे। देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से किया था, इसका पैर जो है वो वाली जगह बनेगी यहाँ पर। और अब हमें वापस से, देखिए यहाँ पर जॉइंट किया वो 1 स्लिप स्टिच हो गई, 2री 3री 4थी और ये 5वीं।
पांच बार हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पर ये वाला जॉइंट किया वो भी साथ ले लेना है। तो पांच बार स्लिप स्टिच करने के बाद एक दो तीन चार पाँच और छः, छः चेन लेकर के नेक्स्ट वाली चेन के अंदर हमें फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। ऐसे ऐसे इसकी पूंछ बन गई है, देखिए। फिर से छः बार स्लिप स्टिच करेंगे, एक ये कर दी हमने, फिर से दो तीन चार चार पाँच और ये छः, वापस से हमने छः बार स्लिप स्टिच कर दी। और अब हमें एक चेन लेनी है और इसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशिया करना है। ऐसे फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर दो बार डबल क्रोशिया करना है सेम प्लेस पर। पहले के अंदर हमने एक बार किया, अब नेक्स्ट में दो बार करेंगे, फिर से नेक्स्ट में दो बार करेंगे और फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे दो बार, एक और ये दो। ऐसे देखिए ये वाला आगे वाला हिस्सा है जो मुंह का हिस्सा होता है वो वाला है। तो अब हम यहाँ पर देखिए ये हमने दो हाफ डबल क्रोशे बना लिए, उसके बाद हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ चेन हमें बनाने हैं। एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच, एक नेक्स्ट में दो नेक्स्ट में तीन और नेक्स्ट में चार, चार बार हमें स्लिप स्टिच बनानी है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक और सेम प्लेस पर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है दो बार, चार स्लिप स्टिच के बाद सेम चेन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया किया। अब फिर से नेक्स्ट में एक और सेम प्लेस पर दो, फिर से हमने देखिए नेक्स्ट वाली के अंदर दो बार हाफ डबल क्रोशिया किया। और अब हमने यहाँ पर ये जो हमारी आखिरी वाली चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट जितनी भी चेन हमारी बची है इन सब में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ऐसे ऐसे अब हम धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे, फिर धागे में पीछे की ओर ले जा करके घुमा देंगे। ऐसे देखिए, और अब हम इसके कान बनाएंगे। इसकी नोट बाद में लगाऊंगी, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से लगाना है। तो ऐसे करके मैजिक रिंग बना देंगे और इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे तीन चेन ले लीजिए, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ। तो आठ बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया और अब हम इसको एक चेन लेकर के धागे को लंबा रख करके काट देंगे। इसी धागे से हम इसके साथ जॉइंट करेंगे तो थोड़ा सा लंबा रखना है हमें, फिर ऐसे इसको टाइट कर देंगे। और अब हमें इसके साथ अटैच करना है। देखिए पहले तो हम इस धागे की नोट लगा देंगे। देखिए धागा निडल में पिरो लिया है, अब इसे अगले वाले के अंदर डाल करके नीचे की ओर निकाल देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए इन सारे स्टिच में हमें घुमा देना है और फिर ऐसे ही घुमा फिरा करके काट देंगे। ऐसे
हमारा धागा बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है इस तरह से हम निडल से अगर नॉट लगाते हैं तो, पता भी नहीं चलता कि हमारा वर्क कहाँ पर फिनिश हुआ है और अच्छे से इसका जो फिनिशिंग है वो एकदम फ्रेश दिखता है, कहीं पर भी इधर उधर दिखाई नहीं देगा। अब इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे ऐसे, और अब हमें ये जो हमने बनाया उसका जो पहला मैजिक रिंग वाला धागा था उसे हम निडल में पिरो लेंगे ऐसे। तो उस धागे को पहले तो हमें पीछे ले जा करके इस धागे को एडजस्ट कर देना है, फिर वो वाला धागा है उसी से हम इसके साथ अटैच कर देंगे। इस धागे को तो इधर उधर घुमा करके फिर काट देंगे ऐसे, काट दिया। अब ये आखिरी वाला धागा जो है ना हमारा, वो वाला हम निडल में पिरो लेंगे। धागा पिरो लिया, देखिए ये जो आखिरी में हमने कंप्लीट किया था वो वाला धागा हमारा आ गया है। तो यहाँ पर इस तरह से लगाना है, देखिए इसमें है वैसे, ऐसे करके हम यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देंगे। देखिए ऐसे पहले तो हम नीचे की ओर डाल देंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर निकालेंगे ऐसे, फिर बीच में डाल करके इस तरह से लेके जाएंगे नीचे। देखिए तो दोनों साइड से अच्छे से एडजस्ट हो गया है। आप चाहे तो फिर से एक बार यहाँ पर ले करके नीचे की ओर निकाल दीजिए ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देखिए जितना आप अच्छे से करना चाहे उतना आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे तो ये लग चुका है देखिए, और अब हम नीचे जा करके जैसे हमने पहले वो वाला धागा घुमाया था वैसे ही घुमा देंगे। तो देखिए ब्लैक कलर का मोती हमें लेना है और यहाँ पर हम लगा देंगे। देखिए धागा थोड़ा सा हमें खींच देना है इधर उधर ताकि हमारा अच्छे से पीछे भी दिखाई नहीं देना चाहिए, वैसे हमें फ्रेश वर्क करना है। ऐसे करके मोती लगा देंगे ऐसे, नीचे की ओर वापस से निकाल देंगे ऐसे। देखिए दूसरी बार इसी तरह से रिपीट करना है तो कर सकते, अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाता है ऐसे। इस तरह से दूसरी बार भी रिपीट कर देंगे ऐसे, फिर धागे को पीछे ले जा करके इधर उधर घुमा करके धागा काट देंगे।